किसानों के विरुद्ध लाया है। इसे तुरंत प्रभाव से इसे कैंसिल करें, मोदी जी मीटिंग बुलाए तुरंत, नहीं तो ये बहुत दूर तक चलेगा। नत्ती नत्ती स्टेडियम में ये आग बढ़ेगी और मोदी जी को पता लग जाएगा। किसी ने किसी MP को काम में नहीं घुसने देना, किसी MLA को काम में नहीं घुसने देना, इनको पता लग जाएगा। 543 है जिसमें विपक्ष के भी है, ये 300 लेके कह रहा मैं बहुत हूँ, ये जनता किसी से नहीं रुकेगी। यह देख सकते हैं युवा किसान है, रोष है। और जो ट्रक लगाए गए थे पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए, ट्रैक्टर ट्राली रोकने के लिए, उन ट्रकों को ट्रैक्टरों द्वारा मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध कर हटाया जा रहा है और लग ये रहा है कि किसान अपना रास्ता खोलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है किसानों की। लगभग 40-50 हज़ार किसान करनाल के नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मौजूद हैं, और यहाँ पुलिस प्रशासन के सामने देखें आप, बिल्कुल बेबस खड़ा है, मौन खड़ा है। लेकिन जो किसान हैं आप देख सकते हैं, किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने किस तरह से यहाँ गहमे गहमी का माहौल बना हुआ है, और जो किसान आंदोलन है वो लगातार उग्र रूप लेता जा रहा है। और सामने तस्वीरें में आपको दिखा दें कि सामने ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गाड़ी है, वो बाड़ी बैठे हुए हैं, और जैसे किसानों द्वारा रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, ट्रैक्टरों द्वारा ट्रकों को हटाया जा रहा है, जो पुलिस प्रशासन ने लगाए थे उसी के इंतजार में यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी गाड़ी पर छत पर बैठकर वेट करें। और आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो दिल्ली हर कीमत पर कूच करके रहेंगे, जिसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि संघर्ष में, इस कश्मकश में किसे कामयाबी मिलती है, पुलिस प्रशासन कामयाब होता है या किसान कामयाब होते हैं। पुलिस का कहना ये है कि वो ये दिल्ली किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे, और पुलिस का कहना है कि ये दिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। किसानों ने भी ठान लिया है कि आज शाम तक वो कुंडली बॉर्डर पर पहुँच कर ही दम लेंगे। लगातार बने रहिए इस खबर के साथ, देखते रहिए खबर को, और इस खबर को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को, ताकि हिंदुस्तान में आज जो करनाल के नेशनल हाईवे पे जो किसान आंदोलन हो रहा है वो देश के बच्चे बच्चे तक पहुँचाया जा सके कि हमारे देश में किस तरह के क्या हालात बने हुए हैं। जो देश का अन्नदाता है आज वो सड़कों पर है, देश का अन्नदाता जो है भूखा प्यासा सड़कों पर है। अब देख सकते हैं सामने काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, और ट्रैक्टरों द्वारा ट्रकों को हटाया जा रहा है, और लगातार निर्देश दे रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी कि किसी भी कीमत पर इन ट्रकों को हटाया जाके, ताकि ये जो किसान आंदोलन का काफिला है वो आज शाम तक दिल्ली पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। अब देखना होगा इस प्रयास के अंदर किसानों को कितनी कामयाबी मिलती है, और पुलिस जो प्रयास कर रही है किसानों को रोकने का, पुलिस को किसानों को रोक पाती है या नहीं। अब इस कश्मकश के अंदर देखने वाली बात ये होगी कि किसे कामयाबी मिलती है और किसे नाकामयाबी मिलती है। लेकिन जो किसानों का उग्र रूप है, लाल झंडे हाथ में लिए हुए हैं, और किसान यूनियन के अध्यक्ष जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी गाड़ी पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं इन ट्रकों के हटने का, ताकि उनका काफिला किसानों के साथ लेकर दिल्ली की ओर कूच कर सके। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ, हम लगातार देर रात तक इस किसान आंदोलन की आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, करनाल के नेशनल हाईवे किसान आंदोलन से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।